नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरएमएस फार्मेसी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेडी सस्पेंशन के बारे में। ये जो जेडी सस्पेंशन होता है, ये छोटे बच्चों में यूज की जाने वाली एक एंटीबायोटिक दवा होती है। आज हम इसी से जुड़े रिलेटेड यानी कि सभी जानकारी देंगे। जैसे इससे रिलेटेड कौन कौन से यानी टॉपिक है हमारे, ये जो दवाई होती है ये किस बीमारी में दी जाती है और इससे क्या क्या यानी कि मिलाया गया है इसमें, और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होती हैं, और इसकी डोज क्या क्या कौन से बच्चों को कौन सी कितनी दी जाती है। तो इन सभी को यानी कि जानने के लिए हमारे वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो जेडी सस्पेंशन होता है दोस्तों, ये छोटी बोतल में 15 ml के में जिसे कि मार्केट में अवेलेबल होता है, ये जो होती है 15 ml का प्राइस जो होता है हमारा, ये जो होता है देखिए दोस्तों, ये 34.76 रुपये होती है, यानी कि 34 रुपये होती है। ये एक ऐसी दवाई होती है जो हर किसी मेडिकल पर उपलब्ध होती है, यानी कि ये बहुत ही फेमस होती है, यानी कि ये अपने नाम से ही मिल जाती है, और ये और भी बहुत से नाम से आती है, लेकिन फार्मूला जो होता है अगर इसकी बात करें तो ये एजिथ्रोमाइसिन ही होती होनी चाहिए, और ये एजिथ्रोमाइसिन से यानी साल्ट में होता है। अगर हम इसकी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये देखिए, मैं इसे मैन्युफैक्चरिंग मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी करती है। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत ही यूनिक कंपनी होती है मैनकाइंड की, यानी कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, मार्केट में फेमस भी बहुत अच्छा होती है, और इसके प्रोडक्ट का यानी कि यूज जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं इसके किस किस बीमारियों में यूज की जाती है। तो एजिथ्रोमाइसिन की बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक होती है। इस दवा के यूजेस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसे किस बीमारी में इसका यूज किया जाता है। ये दवा एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि खांसी की समस्या में, गले में खराशें होती हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है। या इसका यूज जैसे कि फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या छाले मुंह में हो जाते हैं, या किसी प्रकार के इन्फेक्शन में ये एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है। किसी भी प्रकार का यूज हो तो इसमें यानी कि अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है इसका। ये दवा जो होती है छोटे बच्चों के लिए ही होता है। इसका यूज जो होता है डॉक्टर की सलाह वगैरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन जो होती है ये एंटीबायोटिक होती है, लेकिन कोई भी एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह वगैरह नहीं लेनी चाहिए। और जो जैसे कि किसी भी दवाई के बारे में यूज के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो हम दोस्तों आज बात इसके साथ साथ हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। जैसे कि इसके साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से होते हैं, ये दवाई जो होती है अगर आप बच्चों को पिलाते हैं, अगर साइड इफ़ेक्ट हो जाता है इसका, तो क्या क्या यानी कि सिम्टम्स दिखाई देते हैं बच्चों में। जैसे कि अगर बच्चों को हम ये दवाई दी और जैसे दस्त आने लगे, या फिर उनके बच्चों के शरीर में जो हैं छोटे छोटे लाल लाल कलर के जैसे कि दाने से आने लगते हैं, या फिर कोई इचिंग सी होने लगती है, या मितली आती है, या फिर उल्टी आने लगती है बच्चों को, तो यानी कि ये सब लक्षण जो होते हैं हमारे ये दवाई के साइड इफ़ेक्ट के बारे में होती हैं। अगर ये इनमें से कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नज़र आता है तो प्लीज़ आपके जो है नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, यानी कि सलाह लें और उससे मालूम करें, और उसको इसके बारे में बताएं कि यानी कौन सी एंटीबायोटिक ली थी मैंने, क्या क्या हुआ था। और जैसे कि अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी जो नई वीडियो आए, और जो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।